देखो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो सबसे पहले मोड पे जाना है। मोड पे यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ आएगा, आपको ये वन दबाना है। अब आपको देखना है कि टू वेरिएबल है या थ्री वेरिएबल। जैसे यहाँ पे थ्री वेरिएबल इक्वेशन है ना, एक्स वाई जेड में इक्वेशन, मतलब आपको थ्री चूज करना है। अब आपको देखना है कि एक्स का कोफिशियंट कितना है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में टू है तो ए वन की वैल्यू टू हो जाएगी, फिर बी वन हमारे पास थ्री हो जाएगा, फिर सी वन हमारे पास सिक्स हो जाएगा, फिर हमारे पास डी वन जो होगा वो वन होगा। इसी टाइप से ए टू बी टू सी टू डी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री एंड डी थ्री, इन सब की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू रखी वो हम रख लेते हैं। आपको वैल्यू रखने के बाद ये बराबर बोलेगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 3.2 बना रही है, y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2.25 आ रही है और z की वैल्यू 0.22 आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशंस को कैलकुलेटर से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, खास करके जो कर्व फिटिंग वाला कांसेप्ट है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं।